ये क्वेश्चन नंबर टू है, इफ पी सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड क्यू सेट इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, राइट द सिंबल एलिमेंट ऑफ और एलिमेंट नॉट इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब देखते हैं कि क्या टू एलिमेंट ऑफ पी है। यस डेफिनेटली। तो यहाँ पहले ब्लैंक में आएगा ई, एप्सिलॉन का साइन आएगा यानी एलिमेंट का साइन आएगा। इसी तरह क्या ए एलिमेंट पी है? नो। तो यहाँ आएगा ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ पी। इस तरह हम इस तमाम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। उसके बाद है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट एज ए बी सी एसेट्रा। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनके सेट बनाने हैं, जिनके सेट बनेंगे उनके बनाएंगे, जिनके नहीं बनेंगे उनके नहीं बनाएंगे, और हर सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद फोर है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके सेट बन सकते हैं और कौन सी हैं जिनके सेट नहीं बन सकते, इस तरह से हमें बताने हैं। नाउ सेट नोटेशन, यानी सेट को किस किस तरह से लिखा जा सकता है। सबसे पहले है, अ सेट में बी रिटन इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स नोटेशंस कॉल्ड नोटेशंस। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। द अबव फॉर्म इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। जब हम किसी सेट को लिख कर जाहिर करते हैं उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। नीचे लिखते हैं, अ सेम सेट कैन बी रिटन एज, अगर हम ये कहें कि सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द टेबुलर नोटेशन। पहले जब हमने रिटन में लिखा था तो वो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन था, और अब जब हम उसको टेबुलर में लिखते हैं तो वो हमारे पास टेबुलर नोटेशन में आ जाता है। पहले डिस्क्रिप्टिव था, अब टेबुलर नोटेशन हो गया। इसी तरह इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड लुक लाइक दिस। नीचे देख सकते हैं कि आप ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू एंड वॉवल, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी ए बराबर है ए आई ओ यू के और ये बराबर है कर्ली ब्रैकेट वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो बोथ आर सेम। ये जो है पहले हमारे पास टेबुलर फॉर्म है और सेकंड जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसके बाद हम देखते हैं कि बी इज इक्वल टू ए बी सी टू जी, इट मीन्स इट इज इक्वल टू लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसी तरह सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इट इज द नेचुरल नंबर। वेन देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन द सेट देन वी यूज डॉट डॉट डॉट। इसी तरह द सेट ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर नोटेशन। यहाँ जो एक्स जाहिर कर रहा है ये आपको इसका वेरिएबल शो कर रहा है कि ये जो सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं एक्स से जाहिर, वो एक्स इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी एक्स जो है वो क्या है, कॉलन लगाने के बाद एक्स इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। दिस इज कॉल्ड द बिल्डर नोटेशन। इन द बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल, इसको कहेंगे। द सेट इज रीड एज अ इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इस तरह हम इसको फिर
पढ़ सकते हैं। इसी तरह हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 9 कैन बी रिटन एज अ सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9, अ सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इट इज द टेबुलर नोटेशन, एंड a इज इक्वल टू x कॉलन x लेस देन 9, इट इज सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये तीन तरीके हमारे पास लिखने के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन एंड सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1B है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। नीचे जो सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास दिए गए हैं, हम इन तमाम को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और इसके मुताबिक आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं ताकि चीज़ आपको समझ में आ जाए। और उसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मंडे से थर्सडे तक टीचर्स के दिए गए शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन आकर आप अपने टीचर से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आखिर में हम ये देख बताएंगे आपको कि आपको अपनी फेयर कॉपीज किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले हम इंडेक्स पेज बनाते हैं। इंडेक्स पेज में इस तरह से कुछ कॉपीज़ में कॉलम हो सकता है बने हुए हों, लेकिन जिनके पास बने हुए नहीं हैं तो वो इस तरह से इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम बना लीजिए। और कॉलम 1 जो है वो सीरियल नंबर, 2 में डेट, 3 में डिस्क्रिप्शन, 4 में पेज नंबर और 5 में टीचर सिग्नेचर के नाम से आप बना लें। और उसमें हम जिस तरह से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीरियल नंबर 1 हमारा पहला जो चैप्टर है वो जिस डेट को शुरू होता है वो डेट यहाँ लिखेंगे, और चैप्टर का नाम और उस चैप्टर का जो पेज नंबर है जहाँ से वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे वो नंबर, और जहाँ ख़त्म हो गए वहाँ इसका आखिरी नंबर लिखा जाएगा जो कि बाद में लिखेंगे। फिर हम जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर उसकी डेट, और फिर इस तरह उसका पेज नंबर और फिर टीचर साइन। फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से हम अपनी इंडेक्स कंप्लीट करेंगे। इंडेक्स के बाद अगला जो पेज है हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, नंबर 1, 2, 3, 4 हर पेज के टॉप सेंटर पे हम पेज नंबर लगाएंगे, और हम लिखेंगे मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट फ्रॉम July 15, 2020, और फिर पेज नंबर 2 मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस के हम जो जो चैप्टर पढ़ेंगे इस मिड ईयर में वो हम 15 जुलाई से लेके 14 अक्टूबर 2020 तक इस तरह से चैप्टर वाइज लिखेंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे टाइटल आएगा, जो भी चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम आएगा जो हम इस मिड ईयर में कंप्लीट करेंगे, और ये हमारे जो हैं पेज नंबर हैं कि वो चैप्टर कौन से पेज से शुरू हो रहा है बुक में। इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 3 पे हम अपना टाइटल पेज बनाएंगे, जो भी नेम ऑफ चैप्टर है वो लिखेंगे, और इसके बाद हम अपना फेयर काम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।